हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीव कुमार और एक्सेल के एक नए वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कि पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी के फार्मूला को यूज करके आप किस तरह से हर मंथ की किस्त, मंथ का ब्याज, ठीक है, यहां पर मंथ का मूलधन किस तरह से निकाल पाएंगे से मैं बताने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर आप कोई भी कार को परचेज करते हैं जिसका प्राइस है 2 लाख और डाउन पेमेंट जो आप करते हैं, मीन्स आप जो उसको पेमेंट करते हैं, उस कार का जो पेमेंट करते हैं 1 लाख, तो उसका ईएमआई कैसे कैलकुलेट किया जाए, मीन्स इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट कितना करिएगा, वो मैं आपको कैलकुलेशन करना बताऊंगा। मीन्स अगर आप कोई कार को 2 लाख में परचेज करते हैं और उसका डाउन पेमेंट करते हैं 1 लाख, ठीक है, बाकी जो 1 लाख बचा उसका किस तरह से हर मंथ आप इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, कितना पे करेंगे, वो मैं पीपीएमटी फार्मूला से निकाल के दिखाऊंगा और हर मंथ आप कितना ब्याज देंगे वो मैं बताने वाला हूँ। प्लस प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब होता है कि मूलधन आपका कितना जाएगा हर मंथ, वो सारा फार्मूला को मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। बस शुरू से लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। तो चलते हैं अपना टॉपिक की ओर। यहाँ पे लोन अमाउंट कितना होता है सी मैं पहले निकालता हूँ। जैसे आप 2 लाख में खरीदे हैं, ठीक है, और आप डाउन पेमेंट किए हैं 1 लाख, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले बराबर लिखता हूँ और यहाँ आपका कार का प्राइस है 2 लाख, तो इस पर मैं क्लिक किया, उसके बाद मैं माइनस करता हूँ। माइनस करने के बाद आपको जितना डाउन पेमेंट किए हैं आप, वो अमाउंट यहाँ पे क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए और यहाँ पे इंटर करेंगे, तो देखिए आपका यहाँ पर 1 लाख रुपया का अलाउन क्या होगा, 1 लाख रुपया का लोन अमाउंट बनेगा। अब यहाँ पर जो लोन आपका अमाउंट है, जो आपका लोन अमाउंट 1 लाख है, उसका इंटरेस्ट रेट जो जाएगा वो 14% का है और पीरियड आप जो टाइम लिए हैं पे करने का वो 4 ईयर लिए है, मीन्स 4 ईयर के अंदर आप उस लोन को क्या करेंगे, पे करेंगे। तो चलते हैं कि हर मंथ आप कितना पे करेंगे ताकि आपका 4 ईयर के अंदर आपका लोन कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो चलते हैं अपना फार्मूला की ओर। यहाँ पे आपको पहले क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद पहले पीएमटी का मतलब समझना क्या होता है, तो इसको आप कह सकते हैं पर मंथ इंस्टॉलमेंट या हर महीने का किस्त भी कह सकते हैं। तो हर मंथ आप कितना किस्त देंगे ताकि 4 मंथ के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, उसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना होगा। जैसे मैं यहाँ पर प्रेस कर रहा हूं इक्वल, उसके बाद आपको लिखना होगा यहां पर इक्वल के बाद पीएमटी। पीएमटी करने के बाद आपको यहां पर ब्रैकेट स्टार्ट करना होगा। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद देखिए यहां पर बता रहा है रेट, मींस आप कितना रेट पे आप लोन लिए हैं। आप जो 1 लाख लोन लिए हैं, ठीक है, लोन पे जो आप कार को परचेज किए हैं, ठीक है, वो कितना परसेंट पे आप लिए हैं, तो ये देखिए आप 14% ईयरली लिए है, मीन्स 1 साल का जो आपका लोन है, ठीक है, वो 40% के अनुसार बनेगा, मीन्स आप 1 लाख जो लिए हैं वो आपका 14% का लोन होगा, वो भी ईयरली। तो आपको क्या करना है, मंथ में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले रेट है यहां पर है, तो रेट में आपके क्या, आपको क्या लेना है जी, तो आपके 14 लेना है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको डिवाइड देना है 12 से, वो क्यों जी, क्योंकि आप यहाँ पर मंथ पीएमटी मींस पर मंथ इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको 12 से क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉमा दिया हुआ है, तो उसको आपको कीबोर्ड से कॉमा प्रेस करना है। उसके बाद एनपीआर मींस नंबर ऑफ पीरियड, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है नंबर ऑफ पीरियड, आप कितना ईयर के लिए आप लोन लिए हैं, तो आप जो लोन लिए हैं, लोन पे जो आप कार को परचेज किए हैं 4 ईयर के लिए लिए हैं, तो आपको ये 4 ईयर लेना है। बट यहां पर भी एक क्वेश्चन आता है कि आप जो यहां पर ईयरली लिए हैं, ठीक है, लेकिन मेरे को कैलकुलेशन जो करना है मंथली इंस्टॉलमेंट कैलकुलेशन करना है कि पर मंथ आखिर कितना मेरा इंस्टॉलमेंट बनता है, ताकि हर मंथ मैं कितना पे करूं ताकि 4 ईयर के अंदर मेरा इंस्टॉलमेंट लोन अमाउंट जो यहां पर है वो कंप्लीट हो जाए। तो आपको यहां मल्टीप्लाई कर देना है 12 से। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है प्रेजेंट वैल्यू,
कॉमा देने के बाद यहां पर आपको लिखना है प्रेजेंट वैल्यू, मींस आपका फिलहाल प्रेजेंट वैल्यू है कितना। तो ये देखिए होता है प्रेजेंट वैल्यू, मींस आप जो लोन लिए हैं वो 1,00,000 का लिए है, वो आपका प्रेजेंट वैल्यू होता है। आपको इस पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको ब्रैकेट को बंद कर देना है इस तरह से, ठीक है। और यहां से कोस्ट बंद करने के बाद इंटर करना है, ये आपका बन गया, ये आपका इंस्टॉलमेंट पर मंथ अमाउंट कैलकुलेशन होकर के आ गया, ये पर मंथ का इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो गया। मींस आप हर मंथ इसको, ये देखिए पहले यहां देखिएगा कॉमा, ये आपका रेड कलर के शो कर रहा है, प्लस डॉलर का सिंबल आ रहा है, इस पे आप क्लिक करके आप यहां से कॉमा पे क्लिक कर लीजिए, ठीक है। तो आपका ये इस तरह से आ गया अमाउंट, ठीक है। आप हर मंथ 2,732.65 रुपया यहाँ पे आप पे करेंगे तो आपका 4 ईयर के अंदर कंप्लीट हो जाएगा आपका लोन अमाउंट, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पर आता है आईपीएमटी। आईपीएमटी क्या होता है समझना है, इंटरेस्ट पर मंथ, इंटरेस्ट पर मंथ मींस आप जो ये फर्स्ट मंथ का जो किस्त पे किए हैं ये 2,000 रुपया, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 2,732 रुपया जो पे किए हैं उसमें से कितना इंटरेस्ट जाता है वो अब यहाँ निकालना है। मींस इसमें दोनों आपका जुटा हुआ है, मींस प्रिंसिपल वैल्यू और इंटरेस्ट पर मंथ, मींस इंटरेस्ट वैल्यू दोनों इसमें क्या हो रखा है, ऐड हो रखा है। मैं अब आईपीएमटी से ये निकालूंगा कि इंटरेस्ट इसमें कितना ऐड हो रखा है, तो मैं उसके लिए आपको यहाँ पर आईपीएमटी का फॉर्मूला को यूज करके मैं बताता हूँ। आप यहाँ पर प्रेस करेंगे इक्वल टू और फिर से लिखेंगे आईपीएमटी, ठीक है। IPMT करने के बाद आपको ब्रैकेट देना है, फिर से देखिए रेट पूछ रहा है, तो रेट आपका देखिए ये रहा इंटरेस्ट रेट, मींस आप 14% के अनुसार आप क्या किए हैं रेट से आप लोन लिए हैं वो। अब यहाँ पर डिवाइड कर देना है आपको 12 से, वो क्यों जी, क्योंकि आप जो है यहाँ पर मंथली इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट पर मंथ निकाल रहे हैं। उसके बाद देखिए कॉमा लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, कॉमा उसको तो पर लिखा हुआ है। अब ये पर क्या होता है जी समझना है, पर का मतलब होता है कि ये आप जो है से 4 ईयर के लिए आप क्या कर रखे हैं, ठीक है, लोन ले रखे हैं। अब लोन जो ले रखे हैं 4 ईयर के, लेकिन मैं यहां पर निकालना चाहता हूं फॉर जो है सब फर्स्ट जो मंथ है उसमें कितना इंटरेस्ट जाता है। जैसे ये फर्स्ट मंथ का लोन है तो फर्स्ट मंथ के अंदर कितना इंटरेस्ट जाएगा वो मैं निकालना चाहता हूं। अगर आप सेकेंड मंथ का निकालना चाहते हैं तो 2 लिखेंगे, थर्ड मंथ का निकालना चाहते हो 3 लिखेंगे, लेकिन मैं जो निकालने वाला हूं यहां पर, ठीक है, वो फर्स्ट निकाल रहा हूं तो यहां पर 1 लिखूंगा। और उसके बाद एनपीआर मींस नंबर ऑफ पीरियड आपका यहां देखिए 4 है, आप इस पे क्लिक कर लेंगे। ध्यान समझिएगा, कॉमा देने के बाद ध्यान रहे कि कॉमा दीजिए, उसके बाद आपको यहां पर 4 पे क्लिक करना होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना होगा 12 से। वो क्यों मैं बार बार बता रहा हूं कि आप मंथली इंस्टॉलमेंट निकाल रहे हैं, इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, इसलिए आपको मंथ में डिवाइड करना होगा। ये आपका 4 ईयर है, उसको आपको ये आपको 12 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना होगा, उसके बाद कॉमा देना होगा। फिर से देख रहा है प्रेजेंट वैल्यू, पीवी मींस प्रेजेंट वैल्यू, यहाँ पर मैं लिख के भी बता दिया हूँ, प्रेजेंट वैल्यू आपका ये 1,00,000 है। उसको कोस्ट बंद करेंगे, उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे, ये देखिए आपका निकल के सामने आ गया, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर अगर रेड कलर का शो कर रहा है, डॉलर का शो कर रहा है, तब कॉमा लगा दीजिए, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ये मूलधन इसमें कितना आता है, मीन्स ये 2,732 में ये इंटरेस्ट इतना गया और इसमें मूलधन कितना गया, ठीक है, मीन्स आप ये 1,00,000 जो बचा है, ठीक है, उसमें वाला अमाउंट कितना गया, ठीक है। ये तो हो गया इंटरेस्ट, आपको हर मंथ पे करना होगा 1,00,000 का, हर मंथ इंस्टॉलमेंट 1,100, ठीक है, समथिंग कुछ यहाँ पर पे करना होगा। नेक्स्ट आपको पीपीएमटी मीन्स प्रिंसिपल पर मंथ, या कह सकते हैं मंथ का मूलधन, ठीक है। अब इसको यहाँ पर फिर से आपको लिखना होगा इक्वल टू, इस बार लिखना होगा पीपीएमटी मीन्स प्रिंसिपल पर मंथ, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है रेट, तो यहाँ पर देखिएगा रेट लिखा हुआ है इंटरेस्ट रेट 14, उसके बाद क्या करना है डिवाइड करना है 12 से, क्योंकि मैं मंथली निकालना चाहता हूँ। उसके बाद आपका लिखा हुआ है पर मीन्स आप किस मंथ का निकालना चाहते हो मूलधन, तो मैं फर्स्ट मंथ का मूलधन निकालना चाहता हूँ, तो
तो यहां पर मैं कॉमा दूंगा, वन लिखूंगा, उसके बाद एनपीआर नंबर ऑफ पीरियड, ये देखिए फोर रहा, तो कॉमा, उसके बाद यहां पर मल्टीप्लाई कर देना है 12 से, उसके बाद यहां पर लिखा हुआ प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू आपका ये रहा, तो कॉमा लगाइए, और कॉमा लगाने के बाद इस पर क्लिक कर लीजिए, कोस्ट बंद करिए, और उसके बाद जैसे इंटरप्रेस करेंगे आपका देखिए ये अमाउंट आ गया प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, इसको फिर से कॉमा लगा दीजिए यहाँ पे, ठीक है, आपका यहाँ पर आ गया। अब ये दोनों को जो जोड़िएगा तो देखिएगा एक पीएमटी के बराबर आएगा, मीन्स 2732 रुपया आएगा। वो क्यों जी, क्योंकि ये फर्स्ट मंथ का जो है निकाला हुआ अमाउंट है, कि आप जब एक लाख, जब यहाँ पर एक लाख का लोन लिए हैं, मीन्स एक लाख जो है यहाँ पर लोन अमाउंट आपका बचा, मीन्स लोन पे लिया गया अमाउंट जो है एक लाख है, उसका 14% के रेट पे आप 4 साल के अंदर पे करेंगे, तो फर्स्ट मंथ का जो आपका इंस्टॉलमेंट बनेगा इतना आएगा, समझ रहे बात को, तो उसमें आपका इंटरेस्ट जाएगा ये आपका अमाउंट 1000 समथिंग, और आपका प्रिंसिपल अमाउंट मीन्स आपका मूलधन जाएगा 1000 समथिंग, ठीक है। तो ये दोनों को जोड़ने के बाद आप देखिएगा ये अमाउंट आएगा, मीन्स 2732 रुपये आएगा, तो आप यहाँ पर इक्वल करेंगे, उसके बाद आप आई पी एम टी वाला अमाउंट को क्लिक कर लेंगे उस पर, उसके बाद प्लस करेंगे, उसके बाद पी पी एम टी वाला अमाउंट पे क्लिक करने के बाद इंटरप्रेस करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वही अमाउंट आया जो यहाँ पर लिखा गया है, समझ रहे हैं बात को। अगर आपको यहाँ पर कोई कहता है कि मेरे को सेकेंड जो है, ये तो फर्स्ट मंथ का आप देख सकते हैं कि फर्स्ट मंथ का यहाँ पर है, फॉर्मूला में देख सकते हैं फर्स्ट मंथ का, अगर यहाँ पर सेकेंड मंथ का पीपीएमटी निकालना चाहते हैं, जैसे कि ये तो फर्स्ट मंथ हो गया, समझ रहे बात को, ठीक है, फॉर फर्स्ट मंथ का इंटरेस्ट हो गया और यहाँ पर ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, अगर आप सेकेंड मंथ को निकालना चाहते हैं तो बगल में मैं क्लिक कर दे रहा हूँ, ठीक है, आप यहाँ पे इस पे या फिर इसी पे क्लिक करिए डबल क्लिक, ठीक है, डबल क्लिक, और यहाँ पे जैसी वन है उसके स्थान पे आप टू कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ से लास्ट में कर्सर रख के इंटरप्रेस करेंगे, तो सेकेंड मंथ में जो आपका जाएगा आपका ए इंटरेस्ट पर मंथ वो 1148 रुपये का जाएगा, मीन्स पिछले बार था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो पिछले ये था उसमें था 1000, ठीक है, 166 रुपये का था, लेकिन इस बार आप कल सेकेंड मंथ का कैलकुलेशन किए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1148 रुपये का मीन्स इंटरेस्ट घटा। वो इंटरेस्ट क्यों घटा जी, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए कुछ प्रिंसिपल वैल्यू, कुछ मूलधन आप यहाँ पर जमा कर दिए थे, इसलिए अब सेकेंड मंथ का मूलधन कितना होता है वो निकालना है, तो आपको इस पर क्लिक करना है डबल क्लिक, और उसके बाद यहाँ पर वन लिखा हुआ इसके जगह पे आप टू कर लेंगे, और लास्ट में कर्सर रखने के बाद आप इंटरप्रेट करेंगे, आपका देखिए इस तरह का अमाउंट यहाँ पर शो करने लगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आपका फिर से आप सेकेंड मंथ में वही पे करेंगे, सिर्फ चेंज क्या होता है तो आपका इंटरेस्ट चेंज होगा, ठीक है, और आपका ये प्रिंसिपल वैल्यू चेंज होगा, पर यहाँ पर हर महीने की किस्त वही रहेगा आपका, ठीक है, ये 2753 रुपया ही हर मंथ देना होगा, सेकेंड मंथ थर्ड मंथ सारा मंथ में यही देना होगा, पर उसमें से चेंज क्या होते रहेगा, इंटरेस्ट क्या होगा घटते चलेगा, समझ रहे बात को, इंटरेस्ट जो घर से घटते चलेगा, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू भी घटते चलेगा। वो क्यों, क्योंकि हर मंथ आप जैसे जैसे पेमेंट करते जाएंगे पे यहाँ पर एक जो अमाउंट 1 लाख है वो घटते जाएगा, तो उसका इंटरेस्ट भी घटेगा और यहाँ पर जो है से आपका प्रिंसिपल वैल्यू घटते जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैं आपको यह बताया ईएमआई कैलकुलेशन करना वो सीख चुके होंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप एक लाइक करिए, अभी नए हैं इस वीडियो पे तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, धन्यवाद।